क्या कहेंगे कि फिर अगर बार बार ये कहा जाएगा आपकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि नुपुर ही जिम्मेदार हैं, और तो इसके मतलब है वो टेरर अटैक नहीं था और सिर्फ उनके एक टीवी टॉक शो की वजह से सब कुछ हो रहा है। देखा आपने छोटा सा क्लिप, आपको पता है कि नुपुर शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने, जो भारत की सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, जो बातें कही हैं डेफिनेटली आपको सुन के अच्छी नहीं लगी होंगी। मतलब इस तरीके की बातें कही हैं, जो अभी उदयपुर में जो घटना हुई है उसके पीछे की पूरी जवाबदारी नुपुर शर्मा है, उनने जो बयान दिया उस वजह से हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा डिटेल में जाता, अब मैं कोर्ट के बारे में इतना ज़्यादा कुछ समझता नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ डिटेल में जाता, जो वीडियो जुबैर ने शेयर किया था उस वीडियो को पूरा देखा जाता, उसमें जो रहमानी बात कर रहा था उसके रिप्लाई में नुपुर शर्मा ने बोला, लेकिन जुबैर को बस उतना ही एरिया दिखाना था जिससे उसका प्रोपेगेंडा चलता। उस प्रोपेगेंडा के चलते आपको भी पता है कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई अरब कंट्रीज़ में, कुवैत वगैरह में कुछ जगह हुई, हालांकि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वो कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई। और भारत के मुसलमान, ऑब्वियसली भारत के मुसलमान बहुत चाह रहे हैं कि भारत के प्रोडक्ट सारी दुनिया में बैन हो जाए। इस बारे में वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि कैसे भारत के मुसलमान, मुझे लगता है पाकिस्तान के मुसलमान से ज़्यादा रेडिकल हैं, और क्यों ऐसा मुझे लगता है मैं भी बताऊँगा। प्लीज़ पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये वीडियो जो हमें समझनी पड़ेंगी, पहली चीज तो ये है कि ये अमरावती में भी हुआ है। महाराष्ट्र में एक शहर है अमरावती, बड़ा पुराना बड़ा फेमस शहर है। वहां पे भी एक आदमी को ऐसे ही मार दिया गया नुपुर शर्माई के केस में, और ये उदयपुर वाला वाकया उसके बाद हुआ है, अमरावती वाला पहले हुआ था। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया ये कोई जजमेंट नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि नुपुर शर्मा के ऊपर जो अलग अलग केसेस पूरे हिंदुस्तान में फाइल करे गए थे, तो नुपुर शर्मा ने फिर अप्रोच करा कोर्ट को कि सब दिल्ली में कर दें क्योंकि मेरी जान को खतरा है। तो उस बात को लेके उन्होंने ये बात बोली। तो मुझे पाकिस्तान से भी काफी मैसेजेस आई कि देखिए आपके सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा अच्छा काम करा दिया। मतलब काम तो कुछ नहीं करा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके रिपरकशन क्या हैं, जो कोर्ट ने हो सकता है ना समझे हों, समझे हों, मुझे नहीं पता, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा विद्वान वहां पे लोग बैठते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरी इसमें सोच है मैं अपनी सोच आपके साथ साझा कर सकता हूं, शेयर कर सकता हूं। आरजू जी, ऐसा है कि नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने उस लड़की को इतना मजबूर कर दिया, ये सरतन से जुदा वाली ब्रिगेड ने और सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन ने, ठीक है, आपने उसको एक मास लीडर बना दिया। और आज की तारीख में नुपुर शर्मा मास लीडर है, आज की तारीख में नुपुर शर्मा जहां से भी चुनाव लड़ेगी वहां से जीतेगी। ये बात सच है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज है कि इसमें एक बड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने खैर जो बोलना था वो केस जो होगा सो होगा, हमें नहीं पता। बात यह है कि जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, कुछ रेडिकल मुस्लिम्स हैं इंडिया में, जो उनके लीडर्स के थ्रू सपोर्टेड हैं, कभी सिर्फ जो शाही इमाम है जामा मस्जिद के और एक दो और ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों की, जिन्होंने अनएक्विवोकली कंडेम करा है, बोला कि नहीं गलत है, बस कहानी खत्म, इसमें नो इफ नो बट। मैं आपको बताता हूं इसमें इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स कैसे होता है, इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स भी होता है इसमें आरजू जी। जो लोग इंटेलेक्चुअल हैं वो किस तरीके से गला काटने वालों को कवर फायर देते हैं, पहली चीज। और इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट के शामिल नहीं कर रहा, मैं अलग से बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। इसका मतलब जो अमरावती में जिसने गला काटा है उस बेगुनाह इंसान का नुपुर को सपोर्ट करने के लिए, या फिर कन्हैया लाल जी जो हैं टेलर थे उदयपुर में जब उनको मारा है, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो मिलॉर्ड हैं, जो जस्टिस हैं, उनका ये कहना है कि ये सब ठीक है। क्योंकि भाई अगर आप किसी को सपोर्ट करेंगे, आपने बोला नहीं है, कन्हैया कुमार जी ने खुद कुछ नहीं बोला, उन्होंने सपोर्ट करा, उन्होंने उनके मोबाइल फोन पर, वो भी कह रहे थे किसी और ने करा है, उनके बच्चे ने कर दिया, उनको खुद तो मोबाइल चलाना नहीं आता था, इतना फेसबुक पे नहीं थे वो, और वो डाल दिया। तो अब हुआ ये कि डालने के बाद क्या हो गया कि उनको मार दिया गया, यानी कि अगर आप कुछ बोलेंगे आपका कत्ल हो जाएगा और गलती किसी और की होगी, आपकी गलती नहीं है। मैं एज अ लेमैन, एक आम आदमी की तरह, मैं तो यही समझूंगा कि भाई अगर किसी ने प्रॉफिट मोहम्मद को कुछ बोला टेलीविजन शो पर, और किसी तीसरे आदमी जो कि 1000 किलोमीटर दूर है अमरावती में, या कई 100 किलोमीटर दूर है उदयपुर में, अगर वो कहता है टीवी शो को सपोर्ट करता है, तो उसका गला काटना, एंड इट्स ऑल राइट, आपने मार दिया,
हिंदू था, आपने गला काट दिया, कोई इशू नहीं है। मैं इसको कम्युनल रंग नहीं देना चाहता, लेकिन पहलू खान के लिए जितने रुदाली आए थे सड़क पे छाती पीटते हुए कि पहलू खान को मार दिया, और गलत मारा पहलू खान को, मैं ये नहीं कह रहा कि सही मारा, बिल्कुल गलत मारा, एंड द किलर्स मस्ट बी पनिश्ड। लेकिन क्या होता है, ये हिंदुओं में गुस्सा क्यों है, मैं आपको बताता हूं अर्जुन जी, और आपको बड़ा सरप्राइज होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। इस देश में करीब 82-83% या फीसद हिंदू हैं। भारत एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशनली सेक्युलर है, और यहां पे हिंदू की जो लड़ाई है वो बराबरी की है। हिंदू जो लड़ रहा है भारत में वो इसलिए लड़ रहा है कि मैं बराबर का नागरिक हूं। आपको इस चीज को सुन के शॉक होगा, आप हैरान रह जाएंगी कि ये कौन सी अजीब सी बात है। आप 82-83% है, फिर भी कह रहे हैं आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हिंदुओं के खिलाफ भारत में डिस्क्रिमिनेशन होता है, और मैं आपको बताता हूं क्यों होता है। क्योंकि इसको इंटेलेक्चुअल सैंक्टिटी है, इंडिया में इसको इंटेलेक्चुअल कवर है। जब तक आप हिंदू को गाली नहीं देंगे, जब तक आप हिंदू देवी देवताओं को गाली नहीं देंगे, आप इंटेलेक्चुअल नहीं बनेंगे इंडिया में। यह बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो हमारे देश के साथ है। आप जिसको वो लुटियंस गैंग कहता है ना, अर्नब गोस्वामी, आपने अर्नब की शोज में आप खुद कई बार आ चुकी हैं, जिनको लुटियंस गैंग कहता है वो कौन है? लुटियंस गैंग यही लोग हैं जो कवरिंग फायर देते हैं। जब MF हुसैन, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके बारे में मैं कोई उल्टी सीधी बातें नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जब MF हुसैन नॉर्मल पेंटिंग बना रहे थे तो ही वॉज अ ग्रेट पेंटर। वो घोड़े छोड़े की पेंटिंग बनाते थे, वो बड़े ग्रेट पेंटर थे। जब उन्होंने हमारे देवी देवताओं की अभद्र और नंगी तस्वीरें बनाना शुरू करी तो वो लेजेंड बन गए। मुझे शिकायत अपने मुसलमान भाइयों से नहीं है, मुझे शिकायत अपने समाज से है, मुझे शिकायत हिंदू समाज से है। क्योंकि इसमें करने वाले ये जो इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स करते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके लीडर्स हिंदूज हैं, यही गंद डाल रहे हैं ज्यादा। ठीक है, यही गंद डाल रहे हैं। देखिए, माहौल बनाने वाला ना बड़ा कल्प्रिट होता है, माहौल बनाने वाला। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं अर्जुन जी। परेशानी ये है इंडिया में कि आपको कोई कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप बड़े हैं, आपने हिंदू देवी देवताओं को गाली दी, उनका अपमान करा, आप इंटेलेक्चुअल बन गए। अगर आपने सिर्फ यह बोल दिया कि साहब आप गाली मत दीजिए, तो आप संघी बन गए, यानी कि आप RSS के मेंबर हो गए, आप संघी हो गए, आप कम्युनल हो गए। आप इस देश में भाईचारा नहीं चाहते, आप गंगा जमुनी तहजीब को आप नहीं मानते, है ना? आपने सुना है गंगा जमुनी तहजीब का नाम? जी जी बिल्कुल। ये भी एक बहुत बड़ा चूरन है जो भारत में दिखता है, बहुत बड़ा चूरन है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में कभी और मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे जो भारत में 82-83% हिंदू है, उसकी लड़ाई है एकता की, मिलजुल के रहने की। उसकी लड़ाई ये है कि मुझे समान अधिकार दो। उसकी लड़ाई हर समय यह है कि मुझे बराबर का नागरिक समझा जाए, बराबर का शहरी समझा जाए, जो कि नहीं समझा जाता। और ये आपको बात बड़ी अजीब सी लगेगी, बड़ी अजीब सी लगेगी कि आप बात क्या कर रहे हैं, राइट? कि एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री में यह कहा जा रहा है कि सब यू आर ट्रीटेड इंफीरियर, दैट इज ट्रू, ये बिल्कुल सच है। हिंदुस्तान में हिंदुओं को निचले दर्जे का नागरिक समझा जाता है, ये बात सच है। और एक पूरा एक इंटेलेक्चुअल एक कवर फायर इसको दिया जाता है, जहां पे ये देखिए, आपने देखा ना सुप्रीम कोर्ट की मेल ऑर्डर, मैं कुछ बोलूंगा तो मेरे ऊपर दावा हो जाएगा मानहानि का। भाई मैं एक साथ एक चीज बता रहा हूं, या मानहानि या जो भी कोर्ट का, जिसको क्या कहते हैं कि जिसको आप कोर्ट के अगेंस्ट चले जाते हैं, मानहानि इज परहैप्स नॉट द राइट वर्ड, आपके ऊपर वो यू नो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाते हैं, या कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट इज द राइट वर्ड, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने कर दिया। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है, जजमेंट नहीं है माफ कीजिएगा, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या कहता है नूपुर शर्मा के बारे में, कि नूपुर ही है फसाद की जड़। ठीक है, नूपुर की ही वजह से हो रहा है, यानी कि वो जो दो टेररिस्ट थे जिन्होंने कन्हैया लाल जी की गर्दन काटी, उनकी गलती बिल्कुल नहीं है। वो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो अच्छे लड़के हैं, बिल्कुल साफ और पाक हैं। उन्होंने एक इंसान की, निर्दोष इंसान की, जो मासूम था, उसकी गर्दन रेत दी, उनकी कोई गलती नहीं है। गलती एक्चुअली नूपुर शर्मा की है, जिसने एक महीने पहले टीवी में किसी और मुस्लिम क्लेरिक या मुस्लिम नेता के बयान के अगेंस्ट उसने एक जवाब टेलीविजन शो में दे दिया, जिसके लिए वो माफी मांग चुकी है, राइट? गलती नूपुर शर्मा की है।
अब इससे आप सोच लीजिए आरजू जी की जो आम जो हिंदू है भारत में उसके मन में क्या बीतेगी। और इस वक्त मैं तो लोगों से मिलता हूं और मैं आपकी शो में नहीं बोलना चाहता वो सब चीजें क्योंकि वो ठीक नहीं होंगी आपकी शो के लिए, लेकिन जो आजकल चल रहा है ना हमारे समाज में ये बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। और लोगों ने जबरदस्ती, जैसे इन्होंने नुपुर शर्मा को धक्का दिया है दीवार से लगाया है, वैसे ये लोग हिंदुओं को धक्का दे रहे हैं और हिंदुओं को दीवार से लगा रहे हैं। ये सच है, ये कड़वा है, सच है। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि जहां पे मेजोरिटी हिंदुओं की है उनके साथ इस तरह से किया जा रहा है और वो देख रहे हैं वो। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया की पत्रकार आरजू काजमी बात कर रही थी जुबैर और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ऑब्वियसली पॉजिटिव बात करी उन्होंने कि जो जिन लोगों को सूट करता है जो बात है वो उस लोग उस बातों को ऑब्वियसली वो एक खुशी के नज़रिए से देखेंगे। जैसे कि पाकिस्तान में हो रहा है कि भाई भारत का सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला ले रहा है कि जो उदयपुर में हुआ उसके पीछे नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको, अगर आप वो नुपुर शर्मा की पूरी डिबेट देखेंगे उसमें जो तस्लीम रहमानी है वो किस तरीके की बात कर रहा है शिवलिंग के बारे में, उसके बाद नुपुर शर्मा रिप्लाई में दे रही है इसके बारे में। पाकिस्तान का एक इंजीनियर मिर्जा, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, का नाम का मौलाना है जो कि काफ़ी फेमस है पाकिस्तान में, उसका यूट्यूब चैनल है, उसने खुद बोला था कि ये नुपुर शर्मा की इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने वो वीडियो भी अपलोड किया, पाकिस्तानी मौलाना, उसने खुद बोला था। तो दोस्तों अब बात करते हैं भारत के मुस्लिम मुझे कैसे ज़्यादा रेडिकल लगते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान में काफिर बहुत कम बचे हैं, काफिर मतलब नॉन मुस्लिम बहुत कम बचे हैं, उनको ये चीज़ें देखनी नहीं पड़ती हैं जो चीज़ ऑब्वियसली लिखी हैं कि मूर्ति पूजक को मारो, ये जो मतलब दूसरे खुदा और ये सब बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं किताबों में, आपको पता है। तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली बहुत कम बचे हैं भाई ऐसे प्लेसेस जो दूसरे धर्मों के, यहाँ पे इतने ज़्यादा प्लेसेस हैं। तो ये लोग अब ऑब्वियसली अब उनको बताया ये जा रहा है कि ये इनका दीन सच्चा नहीं है, इनका धर्म सच्चा नहीं है, उसके बाद भी अब उनके सामने ज़्यादातर दूसरे धर्मों की मतलब मंदिर हों, चर्चेज हों, गुरुद्वारा हों दिखेंगे। तो ये थोड़ा सा अंदर से मुझे लगता है या तो सॉफ्ट हो सकते हैं या तो ज़्यादा रेडिकल हो सकते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा रेडिकल ही है। आप समझ सकते हो ये पाकिस्तान फंडेड और ये और वो ये सब बातें करना बेकार है जो अभी उदयपुर में हुआ है। पाकिस्तान कहाँ से फंड कर लेगा यार, यहाँ के खुद इतने पैसे वाले मुस्लिम हैं और उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। पाकिस्तान पे आरोप लगाना गलत है मेरे हिसाब से, ये सब पूरा यहीं का किया धरा है, कुछ आरोप लगाने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान वालों को। वो भिखारी, वो भूखे मर रहे हैं, उनके पास पैसे तो है नहीं। पाकिस्तान के बाद बांग्ला, भारत के बाद मैंने देखा है कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा रेडिकल लोग बांग्लादेश के, आप माने ना माने, हैं, क्योंकि वहाँ पर हैं काफिर, काफिरों के साथ उनको रहना पड़ा तो रेडिकल हैं। बहुसंख्यक मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक हिंदू हैं, तो समझ जाओ आप वहाँ पे ज़्यादा रेडिकल है। पाकिस्तान के मैं समझता हूँ कम है, लेकिन जब मान लीजिए कोई जैसे गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा बोलेंगे ना आप, तो नारे तीनों जगह से एक ही आवाज़ नहीं, तीनों जगह से एक ही आवाज़ आएगी सर तन से जुदा। तो वो गैंग एक ही है, लेकिन थोड़ा सा स्केल पे अगर आप नापें तो ऊपर नीचे होता है। तो गाइज़ आप समझ सकते हो अब जो भी मतलब चीज़ें होंगी इन फ्यूचर, मान लीजिए कोई अटैक होता है तो बोल देंगे सुप्रीम कोर्ट वाले भैया ये नुपुर शर्मा के बयान की वजह से हुआ, चलो पार्लियामेंट में अटैक हो रहा नुपुर शर्मा कुछ भी, वो इस तरीके का लॉजिक अगर आ रहा है तो फिर तो इतना मैं भी मतलब मानसिक तौर पर इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर क्या बात करूँ। वीडियो खत्म होता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब।